चलिए छत्तीसगढ़ से अब बगल के जिले मध्य प्रदेश में चलते हैं, पड़ोस का राज्य है, और बात करते हैं नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की। हफ्ते पर बाद मोहन यादव बिहार जाने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी चौंकाने वाली बात है, कोई सीएम दूसरे राज्य में जा सकता है, दो दिन वो पटना में ही रहने वाले हैं। बिहार में मोहन यादव के दौरे का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। बिहार में बीजेपी ऑपरेशन लालू पर काम कर रही है और इस मिशन की जिम्मेदारी मोहन यादव को मिली है। लोकतंत्र है, कहीं भी कोई जा सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो आएंगे, तुलना करिएगा मिसाइल से छुरछुरी का। हमारा संगठन है, किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, नहीं, हम लोगों ने सबको बुलाया है। मध्य प्रदेश में सरकार और कैबिनेट सेट करने के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को नए मिशन पर लगा दिया गया है। मोहन यादव इसी महीने बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। दौरा सिर्फ दो दिन का होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम के दौरे को लेकर भोपाल से ज्यादा हलचल पटना में है। 18 और 19 जनवरी को एमपी के मुख्यमंत्री बिहार में रहेंगे। पटना एयरपोर्ट पर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया जाएगा। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनका सम्मान समारोह होगा। श्री कृष्ण चेतना मंच नाम का संगठन मोहन यादव को सम्मानित करेगा। कार्यक्रम में यादव समाज के बड़े नेता, रिटायर्ड अफसर, जज और नामचीन लोग शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव पटना में बिहार बीजेपी के हेडक्वार्टर पर भी जाएंगे और फिर पटना के इस्कॉन मंदिर में जाकर दर्शन और पूजा करेंगे। मध्य प्रदेश जो हार्टलैंड कहा जाता है भारत का, उस हार्टलैंड में समाज के मुख्यमंत्री, हमारे परिवार के मुख्यमंत्री बने हैं तो हम उनको सम्मानित करेंगे। हम लोगों ने उन्हें निमंत्रण दिया और हमें खुशी है। मंच पर नहीं रहेंगे, मंच पर हम लोगों ने सामाजिक संगठन वाले को, क्योंकि हमारा संगठन है, किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है। श्री कृष्ण चेतना मंच कह रहा है कि मोहन यादव के सम्मान समारोह का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सियासी सुगबुगाहट तो होनी ही है, क्योंकि मेहमान से लेकर मेजबान सबके साथ यादव जुड़ा है। और मध्य प्रदेश के यादव महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो श्री जगदीश यादव जी आ रहे हैं, वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। हमारे यादव महासभा के जो महासचिव हैं दिनेश यादव जी जयपुर से, वो भी आ रहे हैं। माननीय श्री कपिल देव प्रसाद यादव जी कांग्रेस के हैं, आपने जैसे पूछा तो कांग्रेस के हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी ने जब मोहन यादव को एमपी की कमान सौंपी तभी कयासों का दौर शुरू हो गया था कि मोहन यादव के बहाने बीजेपी बिहार और यूपी की यादव बिरादरी को साथ आने का सिग्नल दे रही है। तो यादव समाज में पूरे देश में खुशी है कि मोहन यादव एक असाधारण सा कार्यकर्ता आगे बढ़ा अपनी बदौलत, अपनी मेहनत से। कोई परिवारवादी है मोहन यादव थोड़ी ना है, वो समर्पित कार्यकर्ता है आरएसएस संघ के, भारतीय जनता पार्टी के, जहां हर बिरादरी और जाति को मौका मिलता है। और कृष्णवंशी मोहन यादव का बिहार में बहुत स्वागत होगा। लालू यादव ने बिहार के यादव वोट बैंक को बरसों से अपने साथ जोड़कर रखा है। जो यादव लालू के साथ नहीं वो नीतीश के साथ हैं और लालू नीतीश फिलहाल एक साथ हैं। इसी यदुवंशी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी मोहन यादव को नया यादव ब्रांड बनाकर बिहार रवाना कर रही है। लोकतंत्र है, कहीं भी कोई जा सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी संगठन का काम कर सकते हैं। लेकिन आरजेडी का कहना है मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने की असल वजह कोई और नहीं, खुद लालू प्रसाद यादव ही हैं। तुलना करिएगा मिसाइल से छुरछुरी का। हमको तो कहा कि देश की राजनीति में लालू प्रसाद जी कैसे धुरी है, जिनके प्रादुर्भाव से, जिनकी मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, कमजोर तबकों के लोगों से छुआता था, उनको भी हिस्सेदारी राजनीतिक रूप से देनी पड़ रही है। सीएम मोहन यादव बीजेपी के यादव समाज को बीजेपी की तरफ मोड़ पाएंगे या नहीं, ये मोहन यादव के बिहार दौरे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लालू के गढ़ में यादवों को मोड़ना
इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष काफी पहले से जातीय जनगणना के मुद्दे को धार देने की कोशिश कर रहा है और यूपी बिहार जैसे राज्यों में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। दोनों राज्य यादव वोटरों की अच्छी खासी ताकत रखते हैं, इसीलिए बीजेपी यादव समाज को जोड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगी है। बिहार में 14.26% यादव वोटर है जिनका 12 लोकसभा क्षेत्रों में दबदबा है, लेकिन बिहार के यादव वोट बैंक पर आरजेडी की पकड़ बहुत मजबूत है। यूपी में करीब 10% यादव वोटर हैं जिनका 11 लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा असर रहता है। यूपी में यादव वोटर समाजवादी पार्टी के साथ रहता है। इसके अलावा हरियाणा में करीब 10% यादव वोटर हैं जिनका वोट INLD और कांग्रेस के बीच में पड़ जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में 12% यादव वोटर हैं। यूपी और MP के बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका असर है। MP की करीब 30% विधानसभा सीटों पर यादव मजबूत वोट बैंक है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को यादवों का वोट मिलता ही नहीं है, लेकिन 2024 में बड़ी जीत के लिए बीजेपी पूरे यादव समाज में तगड़ी पैठ बनाना चाहती है। इसीलिए पहली बार बीजेपी ने किसी यादव नेता को एक राज्य की बागडोर सौंप दी है ताकि सीधा संदेश दिया जा सके कि RJD और समाजवादी पार्टी सिर्फ एक यादव परिवार की पार्टी है, लेकिन बीजेपी में उनके समाज के आम कार्यकर्ता को भी तरजीह दी जाती है, पोस्ट दी जाती है। स्वास्थ्य लोकतंत्र का कायदा तो यही होता है कि पार्टियों को जनता के बीच अपना अपनी नीतियों को लेकर जाकर वोट मांगना चाहिए और जनता को भी उसे ही चुनना चाहिए जो उनकी बेहतरी के लिए काम करे, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं। हर पार्टी उसे ही आगे करती है जिनका अपने इलाके और बिरादरी में दबदबा होता है, और 5 साल रोजगार, गरीबी और महंगाई पर चिल्लाने वाली जनता भी चुनाव के वक्त मुद्दों को किनारे रखकर अपना वोट जाति और मजहब के नाम पर दे देती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News आपको रखे आगे।